हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीव्यू आप देख चुके हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सैड कपल्स टीपीज बनाना सिखाऊंगी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय टिकटॉक फॉलोअर्स के जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे कंटेंट को लाइक किया और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं जो है इन इमेजेस का ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँ। सो आई एम हेयर टूडे। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में बताऊंगी कि आप जो है इस तरह की क्वालिटी इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, किसी भी क्रिएटिविटी के बिहाइंड जो आपके फॉलोअर्स, जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, दे डू मेक अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड आपसे मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे जिस तरह टिकटॉक पर सपोर्ट करते हैं, वैसे ही यूट्यूब पर सपोर्ट करेंगे। और वैसे तो बहुत सारे लोगों की विश होती है और उनका टारगेट होता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, बट आई एम एट इनिशियल पॉइंट एंड आई विश कि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो मेरा जो 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया वो पूरा हो चुका हो। और इसके लिए आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप कि आप ऐसा करेंगे बिकॉज आपने मुझे टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपकी सपोर्ट रही, आपकी कंट्रीब्यूशन रही और आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी मोटिवेशन की वजह से जो है मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट अपलोड करती रहूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो मेरा ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया है वो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से पूरा हो चुका होगा। इसी होप के साथ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि इस तरह के इमेजेस क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन कौन से यूज़ करते हैं। मैंने जो एप्लीकेशन यूज़ किया है उसका नाम है बिंग और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें अकाउंट क्रिएशन का कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और बिंग के अमेजिंग फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, जब आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे और आफ्टर साइन अप इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है और ये यहाँ जो आपको कॉइन्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अवेलेबल होंगे तो आपका जो इमेज प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही कम होगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कुछ एक्सप्लोर आइडियाज में आपको ऑलरेडी क्रिएटेड इमेजेस मिल जाती हैं। अगर ये इमेजेस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनके प्रॉम्प्ट्स में चेंजेस भी कर सकते हैं थ्रू कॉपी पेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये एरिया जो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट को राइट करना है और उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट को टाइप करूंगी तो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आई एम जस्ट गोइंग टू डू कॉपी पेस्ट। जी तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया है और इसमें मैंने चेंजेस भी करनी है और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि जब आप कीवर्ड्स को चेंज करते हैं तो उसका आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो फर्स्ट हम विदाउट एनी चेंज इसको क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है ये सिमिलर प्रॉम्प्ट अगर गेट करना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ से गेट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर इनपुट एंटर की थी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट हो चुकी है। सो इमेज को क्लिक करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। आई होप आपको ये इमेजेस अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो डोंट वरी, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने चेंजेस करनी है। यहां से क्रॉस कर देते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं प्रॉम्प्ट के स्टार्ट में, इसको स्क्रॉल कर लेना। आप अगर चाहें तो यहां से इनके जो ड्रेसिंग एंड ड्रेस कलर्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहां पे कर रही हूं व्हाइट। क्रिएट करते देखते हैं कि ये इमेजेस जो है किस तरह की क्रिएट होती हैं। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मैंने कलर चेंज किया था वो यहाँ पे जो है आउटपुट में भी शो हो रहा है एंड मुझे तो ये इमेजेस बहुत पसंद आई हैं एंड आई होप कि आपको भी अच्छी लगेंगी। जी तो हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। इट्स मच बेटर।
इसके अलावा अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक जो है यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक ड्रेस वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है इनसाइड द कार है तो आप आउटसाइड द कार भी कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसके बाकी फीचर्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इन चेंजेस की वजह से आउटपुट कैसी होती है। यहाँ पे इन द कार था तो हम ऑन द कार सिलेक्ट कर लेते हैं और कार को हम कलर दे देते हैं वाइट का। यहां से हम क्राइम का जो कीवर्ड है उसको सैड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलें फिलहाल हम इन टू चेंजेस के साथ जो है क्रिएट का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं यहां से और देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी होती है। जी तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कीवर्ड चेंज किया था ऑन द कार, तो यहां पर जितनी भी पिक्स आपको नजर आएंगी ये जो है इनसाइड द कार नहीं होंगी बल्कि ऑन द कार होंगी। सो हम इनको देख लेते हैं। मुझे ये पिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, और ये जो कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने यूज़ किया, एंड आई होप कि आपको भी ये पिक्स बहुत पसंद आएंगी। चलें अब हम इसमें एक दो चेंजेस और करते हैं, देन उसके बाद पिक्स को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हम हेयर स्टाइल में चेंजेस करते हैं। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ कार कर देते हैं। यहाँ व्हाइट की जगह पे ब्लैक राइट कर देते हैं। यहाँ पे हिडन फेस, जी तो चेंजेस यहाँ पे डन हो चुके हैं। अब क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट में क्या चेंज आता है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आउटपुट जनरेट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो कीवर्ड मैंने यूज किया था हिडन फेस का, उसकी वजह से ये जो इमेजेस क्रिएट होके आई हैं। इसमें जो गर्ल का फेस है वो हिडन है। इसके अलावा हमने चेंज किया था कार का जो कलर है वो ब्लैक किया था, तो वो भी हमें यहाँ पे बिहाइंड जो है वो ब्लैक कार शो हो रही है। चलिए जी, एक दफा मैं आपको सारी जो आउटपुट्स हैं वो शो करवा देती हूँ। ये थी हमारे पास फर्स्ट जो हमने क्रिएट की थी। इसके बाद इसी प्रॉम्प्ट में हमने सिर्फ ड्रेस कलर चेंज किया था और उसकी आउटपुट हमारे पास ये थी। आफ्टर दैट ये जो आउटपुट हमारे पास है इसमें आउटसाइड द कार किया था, मतलब ऑन द कार, इनसाइड द कार नहीं था, तो ये हमारे पास आउटपुट जनरेट हुई। और लास्ट वन कि हमने यहाँ पर दो तीन कीवर्ड्स चेंज किए थे, एक हिडन फेस गर्ल का जो हिडन फेस था वो कीवर्ड यूज किया था, सेकंड जो है वो कार का कलर हमने चेंज किया था, और जो गर्ल का हेयर स्टाइल था मतलब जो बन हेयर स्टाइल था उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था और उसकी आउटपुट जनरेट हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इमेज को डाउनलोड कैसे करना है। इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है डाउनलोड का, और डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आप जो है इसको किसी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर, इस एप्लीकेशन का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप जब इमेज डाउनलोड करते हैं तो इस पर किसी किस्म का वाटरमार्क नहीं होता, इट मीन्स कि आपको किसी किस्म का कॉपीराइट भी नहीं आएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपकी जो सपोर्ट है, आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट्स रियली मैटर फॉर मी, और इंशाल्लाह आप ऐसा जरूर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।